प्रजादेव, जय माँ भवानी और जय छाता धर्म। तो भाइयों, कांग्रेस ने जयपुर शहर से भी क्षत्रिय कार्ड खेल दिया है और उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दे दी है। तो भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि राजस्थान, जहां से कभी कभी 10-10 एमपी क्षत्रिय बनते थे, वहां पर बीजेपी आरएसएस ने अपनी पूरी सूची जारी कर दी, सिर्फ 3 क्षत्रियों को टिकट दी। अभी कांग्रेस की आधी सूची जारी हुई है और 2 क्षत्रियों को टिकट दे दी है, एक जयपुर शहर से और एक दी है उन्होंने जोधपुर से। जोधपुर का जो उम्मीदवार है वो बहुत ही भारी अंतर से गजेंद्र सिंह शेखावत से आगे चल रहा है और दूसरा कैंडिडेट जयपुर शहर से उतार दिया है, जहां से बीजेपी ने क्षत्रिय कैंडिडेट नहीं उतारा है। तो आप सभी का फर्ज बनता है कि अगर अपने राजनीति में वर्चस्व लाना है तो दूसरी पार्टी के लोगों को जिताना शुरू करो और बीजेपी आरएसएस को हर उस जगह से हराओ जहां से इसने क्षत्रिय बाहुल्य सीटों से क्षत्रियों को टिकट नहीं दी है। और आप देखो, 90% क्षत्रिय वोट बीजेपी को पड़ता है, लेकिन ये कितनी टिकट दे रहे हैं? 3, उनके बराबर ही जिनको 5-10% क्षत्रिय वोट देते हैं कांग्रेस को, वो भी उनके बराबर सीट दे रही है। तो देखिए कि कौन अपमान कर रहा है। अभी हम लोग सवाल नहीं कर सकते कि कांग्रेस को कि तुम क्यों कम सीट दे रहे हो, क्योंकि हम उनको वोट ही नहीं देते, फिर भी वो लगभग बीजेपी के बराबर सीटें दे रही है। और ये बीजेपी की मंशा दिखाती है कि उनको क्षत्रिय वोटों की चिंता ही नहीं है, वो बिल्कुल भी क्षत्रियों को टिकट देना ही नहीं चाहते और क्षत्रियों की राजनीति पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जयदेव, जय माँ भवानी और जय छाता।